जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम क्वाड्रेंट टेली वेंचर्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली दिक्कत क्या है कि इस स्टॉक में आज लोअर से रेट लगा है पिछले कई दिनों के तेजी के बाद। तो जिस वजह से क्या है कि इस स्टॉक में जिन लोगों ने हाल फिलहाल में पैसा लगाया है वो काफी घबराए हुए हैं। जिन लोगों का पहले से इन्वेस्टमेंट है उनका तो एनालिसिस और उनका मॉडल कुछ और होगा। बहुत से लोग इसमें लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से पैसा लगाए होंगे। जो लोग लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से इस स्टॉक में पैसा लगाए हैं वो तो अभी भी सेफ है। जो हाल फिलहाल के दिनों में पैसा लगाए हैं वो उनकी चिंता लाजमी है। तो उसी चिंता को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि अभी आपको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का हम लोग कंप्लीट टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए मैं बताऊंगा कि आपको इसमें क्यों घबराना नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट है तो बेशक आपको भी इसमें समय देना पड़ेगा, समय देना ही चाहिए। किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट के होने की वजह से घबराना नहीं है। चलिए, जब आप क्वाड्रेंट वेंचर्स लिमिटेड को बेस इंडेक्स वेबसाइट पर देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक अभी ESM स्टेज वन में यानी कि रेड फ्लैग में है। तो इसमें ये तो कोई नई बात है नहीं, सामान्यतः जो भी पेन स्टॉक होता है रेड फ्लैग में होता है। नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई दिनों के बाद जाके इसमें आपको हाल फिलहाल के दिनों में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है, लोअर सर्किट लगते हुए दिखा है। इसके पहले जब आप देखेंगे तो पहले अपर सर्किट और अपर सर्किट ही आपको लगातार इस स्टॉक में दिखाई देगा, और जहां जहां अपर सर्किट लगा है वहां वहां आपको देखेंगे तो नया 52 वीक का हाई बनते हुए इस स्टॉक में दिखा है। यानी कि स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार नया 52 वीक का हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, और आज फाइनली जाके 21 फरवरी दिन इसमें लोअर सर्किट स्टॉक में लगा है। तो कोई भी स्टॉक का प्राइस जैसे मैंने बताया काफी बढ़ जाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आता है, वही इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है करेक्ट करने, फिर रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर जाएगा। आपको मैं एकदम कंप्लीट रूप से जब चार्ट पर हम लोग एनालिसिस करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इस कंपनी के Q3 के नंबर यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आने थे वो आ गए हैं, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट एक्सेंस में देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस कंपनी ने जो पिछली बार जो इसमें कॉर्पोरेट एक्सेंस हुए थे वो नवंबर 2014 में हुए थे। 2014 के बाद कोई भी कॉर्पोरेट एक्सेंस इस स्टॉक में होते हुए नहीं दिखा है, ना तो आप कंपनी ने डिविडेंड दिया ना ही बोनस दिया। हालांकि पेनी स्टॉक है, छोटे स्टॉक से हम इसकी अपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन यदि जिस हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है इससे जो कंपनी की कमाई हुई उससे जो Q3 के नंबर आए हैं इसमें कंपनी यदि डिविडेंड या बोनस अनाउंसमेंट करती तो काफ़ी एक अच्छी बात होती और एक अच्छा मैसेज जाता है इसके जो न्यूली इन्वेस्टर्स हैं उनमें। खैर, यदि कंपनी डिविडेंड ना भी दे तो चलेगा, बस कंपनी का जो फंडामेंटल है, जो काम धाम है वो बढ़िया चलना चाहिए, उसके बदलत क्या हो कंपनी के शेयर प्राइस में लगता रॉकेट वाली तेजी बनते हुए देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल जब हम लोग कंपनी के काम को समझते हैं तो आप पाएंगे कि नाम से स्पष्ट है कि जो कंपनी है टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में पूर्ण रूप से टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में ही लगी हुई है। कई प्रकार की ये कंपनी सुविधा देती है, जिससे आपको देखेंगे तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड के जरिए, वाईफाई ये कंपनी देती है। इसके अलावा और भी जो तमाम काम होते हैं टेली वेंचर्स टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो देखिए, काम के बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी का जो फ्यूचर्स है वो हमें ब्राइट नजर आता है, और हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को समझें तो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, और शेयर प्राइस के बढ़ने से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा भी है। मार्केट का के हिसाब से यदि शेयर प्राइस देखेंगे तो वो ठीक नजर आएगा। हालांकि इसका जो बुक वैल्यू वो माइनस में है, लेकिन बुक वैल्यू से घबराना नहीं है। चिंता की बात यह कि जो कंपनी का ROE और ROC है ये यहाँ पे पता नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू माइनस में तो रिटर्न ऑन इक्विटी की आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मेन चीज यहाँ पर आता है, जब हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं तो एक साल के चार्ट पर देखिए क्या हुआ है। कई दिनों से एक ये रेंज में स्टॉक चल रहा था, काफी कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ था कई दिनों से। तो जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, उससे जब बाहर निकलता है तो इसमें एक लंबा ब्रेकआउट होता है। यही हुआ कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए दिखा। अब जिन लोगों ने ब्रेकआउट पर एंट्री लिया होगा वो तो अच्छे पैसे कमा ले होंगे, जिन लोगों ने इस स्टॉक के प्राइस को बढ़ते हुए देख इसमें पैसा लगाया होगा वही इसमें फंसे होंगे। हालांकि फंसने जैसी कोई बात नहीं है, जाहिर सी बात है कोई स्टॉक बढ़ जाएगा थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिससे प्राइस हल्का करेक्ट होने के लिए नीचे आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2.5 रुपए के लेवल तक आएगा, 2.5 रुपए तक आने के बाद फिर यहां से प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर उठेगा, फिर आपको 3-3.5 रुपए तक इजीली जाते हुए दिखेगा। यदि हम लोग इस कंपनी के 5 साल के चार्ट पर देखें तो आप देखेंगे कि इसका जो यहीं पर एक जहां पर ये प्राइस गया है तकरीबन समझिए 2 रुपए और 2.5 रुपए करीब इसका एक रेजिस्टेंस था। तो जाहिर सी बात है जब अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो वहां से प्राइस थोड़ा सा घूमेगा ही, यही प्राइस यहां से घूमा है, फिर से ये प्राइस आपको 2.5 रुपए के आसपास आएगा, 2.5 रुपए से थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहीं से फिर रिट्रेसमेंट मार के प्राइस ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं, आपको ध्यान देना है कि कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आ रहा है कि नहीं, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं, तो इसको समझने के लिए जब हम लोग दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं तो पाएंगे कि दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में जो कंपनी का सेल्स हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है, और लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स देखेंगे तो कंपनी के सेल्स डिक्लाइन होते हुए जा रहे हैं। यानी कंपनी का सेल्स लगातार कम हो रहा है, जिस वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो नेट प्रॉफिट भी कहेंगे तो वह भी आपको, हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखा है क्योंकि
कंपनी के अन्य सोर्सेज से भी कमाई होते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देखेंगे तो चूंकि ये टैक्स ऑक्स देने के बाद बचता है तो नेट प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी में दिक्कत है। कंपनी का सेल्स भी जो कंपनी का सेल्स है, सेल्स भी कंपनी का कम हो रहा है, प्लस कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो खैर कंपनी प्रॉफिट में तो है ही नहीं, प्रॉफिट तो है ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट लॉस में है, तो जिस वजह से प्रॉफिट के पहले माइनस लगा सकते हैं, यानी कि निगेटिव चीजें इस स्टॉक में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना है कि प्राइस जैसे अभी हाल फिलहाल के दिनों में एंट्री लिए हैं तो आप आराम से 2.5 रुपये तक बने रहिए, 2.5 रुपये तक आने के बाद जैसे मैंने बताया प्राइस रिटेस्टमेंट लेकर यहाँ से ऊपर उठेगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले होकर बाहर निकल जाएगा यदि कम समय के लिए पैसा लगाएं तो। बाकी जो लोग इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाए हैं वही इसमें रिस्क ले सकते हैं तो रुक सकते हैं, बाकी न्यूली जो इसमें पैसा लगाए हैं जो न्यूली इन्वेस्टर्स हैं उनको यही सलाह दी जाएगी कि 2.5 रुपये के नीचे यदि प्राइस निकलता है तो आप इसमें से अपना बुरा बिस्तर समेट के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल उतने बेहतर स्टॉक्स के नहीं है। ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तो फिर फंडामेंटल बेहतर हो जाएगा तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही। शॉर्ट टर्म के नजरिए से मैंने आपको बताया इस स्टॉक में आपको क्या करना है। मन में कोई भी अभी कोई कन्फ्यूजन है सवाल तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।